वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे। और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। नमस्कार, मैं अमन, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं ये हम सब जानते हैं, और वो कितने बड़े बड़े फैसले लेते हैं ये पूरा भारत देश जानता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ हर राज्य में होती है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से यूपी की तस्वीर बदल गई है। बड़े से बड़े माफिया हो या कोई भी गुंडा हो, वो आए दिन सरेंडर कर देता है। जो सरेंडर नहीं करते उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, या फिर उनके जितने भी माफिया हैं उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इन सबका खौफ इतना बढ़ गया है कि भैया बड़े से बड़े अपराध माफिया हो या फिर कोई भी हो, वो जाकर जेल में सरेंडर कर रहा है। वो कह रहा है मुझे सरेंडर कर लो, बचा लो, नहीं तो योगी की गोली सीधा मेरे पाँव में लगेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 नवंबर 2021 को शामली के कैरेना का दौरा किया था। यहाँ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही खुले मन से उन्होंने सख्त लिहाजे में गुंडे को चेताया था। इसका असर भी देखने लगा है। उनके दौरे के अगले ही दिन कैरेना का खौफ कहे जाने वाले कुख्यात बदमाश पुरकान ने अपनी जमानत तुलवा कर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फूट फूट कर और रोने भी लगा। बताया ये जा रहा है कि फुरकान पर लूट, हत्या, रंगदारी के करीब 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2014 में दिन दहाड़े स्थानीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद सिंघल की हत्या की गई थी। हत्या का आरोप पुरकान पर लगा था। इस हत्या के बाद उसे कैरेना का खौफ कहा जाने लगा। 2017 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन वो जमानत पर छूट कर जेल से बाहर आ गया था। बताया जाता है कि जेल से निकलने के बाद उसने फिर से व्यापारियों से रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। उसी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शामली में हुए पहले एनकाउंटर में फुरकान घायल हो गया था। ये मुठभेड़ तत्कालीन SSP अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। इसमें गुम्बद मोहल्ला निवासी कुख्यात फुरकान के अलावा 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैरेना में जनसभा को संबोधित करते हुए गुंडों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी पीढ़ियां भूल जाएंगी कि कैसा वो दिखता था और वो क्या करता था। इन सब के बाद भैया गुंडे तो थर थर कांपने लगे, सभी खौफ में आ गए। यहाँ पर जितने भी गुंडे थे उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ इतने सख्त हो गए हैं कि भैया अब सीधा उनका एनकाउंटर होगा, नहीं तो जाकर सरेंडर कर दें। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।